आप सभी को मेरी राम राम। मैं नितिन पंडित, वार्ड नंबर 17, कृष्णा कॉलोनी। आप सभी को मैं सर्वोदय टीवी के माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। राम राम। लक्ष्मी शर्मा, सर्वोदय टीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामना देती हूँ। मैं प्रदीप शर्मा, सर्वोदय टीवी के माध्यम से सभी पलवल क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मनोज कुमार इंदौरिया, डिजियाना केवल का डिस्ट्रीब्यूटर पलवल एरिया, सर्वोदय टीवी के माध्यम से होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं शिव कुमार कटारिया, सर्वोदय टीवी के माध्यम से होली की शुभकामनाएं देता हूँ। मैं डॉक्टर संजय सिंगला, सर्वोदय टीवी के माध्यम से ध्रुव अस्पताल तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पानी की बचत करें, गुलाल से होली खेलें, स्वस्थ रहे, हैप्पी होली। नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल शर्मा, MD फिजिशियन, धवन हॉस्पिटल। मैं आप सभी को सर्वोदय टीवी के माध्यम से अपने धवन हॉस्पिटल परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, हंसते खेलते रहें और होली को अच्छे त्यौहार के रूप में स्वस्थ तरीके से, सेफ तरीके से मनाएं। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं सर्वोदय टीवी के माध्यम से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व हमारे लिए खुशियां, ढेर सारी खुशियां लेकर आता है और सद्भावना का, सामाजिक सद्भावना का प्रतीक है। इसमें हम सब मिलजुल कर रहें और नशे का प्रयोग ना करें, वह केमिकल युक्त रंगों से भी बचें। हमें इस पर्व पर फूलों की व गुलाल से होली खेलनी चाहिए। और साथियों, हड्डी जोड़ों के दर्द के विशेषज्ञ होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हम कोई भी दीवार वगैरह ना कूदें, सीढ़ियों पे जल्दी जल्दी ना चढ़ें। जैसे पानी फैला हुआ रहता है तो उस पर हमारा पैर स्लिप ना हो जाए, उसका हमें बचाव रखना है। और ज़रूरत से ज़्यादा वजन की बाल्टी नहीं उठानी है, जिससे हमारी कमर में नचका आ सकता है। और ज़्यादा देर मोबाइल का प्रयोग ना करें, जिससे हमारी गर्दन में भी दर्द हो सकता है। अतः इन सभी बचावों का ध्यान रखते हुए आप इस पर्व को बहुत खुशी और उल्लास से मनाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर श्रद्धा अग्रवाल,
बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और आशा करती हूँ कि सब लोग फिर दोबारा से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, उचित दूरी बना के रखेंगे। बजाए रंगों के हम फूलों की होली खेलें तो हम सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। होली का त्यौहार विशेषकर अपनापन और रंगों का एक मिक्स त्यौहार होता है, तो इसमें कई बार लोग इस तरीके से रंग लगा देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा त्वचा के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं सबसे अपील करूँगी कि गुलाल भी बिना कलर वाले जो गुलाल मिलते हैं वो यूज़ करें, और बहुत जो काले पक्के रंग होते हैं उनसे बिल्कुल बचें। अपनी आँखों का और स्किन का विशेषकर ख्याल रखें। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और फूलों की होली खेलकर भी हम अपना सौहार्द प्रकट कर सकते हैं। आप सभी को फिर एक बार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली। केसी प्रशांत पैथ लैब, केसी अस्पताल, अपना ब्लड बैंक की तरफ से पलवल क्षेत्रवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाएं, आपका आपके परिवार के लिए ये मंगलमय हो। मेरी ये सलाह है कि आप इस समय पे प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कृत्रिम रंगों का उपयोग ना करें। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, फालतू की बेवजह की लड़ाइयों से बच के रहें और समय समय पे रक्तदान जरूर करें। पर कालरा शॉपिंग हाउस से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आप सब भाइयों से बहनों से अपील है कि गुलाल, प्राकृतिक गुलाल जो कि स्किन एलर्जी वगैरह जो होती है उससे, ऐसा केमिकल वाला गुलाल ना लें, ना बच्चों को यूज़ करने दें। पानी का कम से कम प्रयोग करें जो हम जल को बचा सकें। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ये जो होली का त्यौहार है मेल जोल का, भाईचारे का, और इसका भाईचारा बना रहे, इस बात को मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना। मैं फिर आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दें। नमस्कार, मैं पंकज जुबानी न्यू कॉलोनी से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी मेरी नगरवासियों को इस त्यौहार की लख लख बधाइयाँ। मैं सभी को इस त्यौहार पे ये कहना चाहूँगा, अपने केमिकल वाले रंगों को यूज़ ना करें, अपने जो अपने ऑर्गेनिक आ रहे हैं उन कलरों को यूज़ करें जिससे किसी को नुकसान ना हो और सुख शांति बना के रखें। ये एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक, MBBS MD मेडिसिन सचिन हॉस्पिटल से आप सभी क्षेत्रवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। केमिकल वाले रंगों से दूर रहें और सिंथेटिक कलर का भी प्रयोग ना करें और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें और अपने भाईचारे के साथ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाएं। धन्यवाद। मैं राधे श्याम, इंस्पेक्टर SHO सदर थाना, अक्षेत्र वासियों को सर्वोदय टीवी चैनल के माध्यम से सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
और क्षेत्रवासियों को निवेदन करता हूँ कि होली का त्यौहार खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं और जो भी आपराधिक तत्व हैं या दूसरे हुड़दंगबाज हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जो भी हुड़दंगबाजी करेगा या क्षेत्र में उपद्रव करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हमारे जवान मुस्तैदी के साथ कार्य करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति शर्मा है। मैं उर्मिला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल संजय कॉलोनी की प्रिंसिपल। आज मैं होली के शुभ अवसर पर, जो कि होली का त्यौहार आप सब जानते हैं आने वाला है, उसके उपलक्ष्य में आप सब क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व और हमारा जो देश है वो कोरोना के संकट से अभी अभी उभर रहा है, तो मैं यही कामना करती हूँ कि होली का त्यौहार आप सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ आपके जीवन में लेकर के आए, आपका सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आप सब लोग प्रगति और उन्नति की राह पर चलते रहें। और होली का त्यौहार जैसे कि सब जानते हैं रंगों का त्यौहार है, तो मैं सबसे यही एक गुजारिश करूँगी कि चाइना के जो हमारे गुलाल हैं या कोई भी रंग हैं, पिचकारियाँ हैं, उन सब का इस्तेमाल ना करते हुए फूलों से होली खेली जाए या फिर ऑर्गेनिक गुलाल से आप होली खेलें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और आप सब लोग जो हैं अपने जीवन में खुशहाल रहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सोनिया यादव, प्रिंसिपल KDA सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और जिस तरीके से आज देश के अंदर कोरोना की जो महामारी थी वो काफ़ी दूर जा चुकी है, क्योंकि सरकार की तरफ से समय समय पे वैक्सीनेशन कैंप वगैरह भी लगवाए गए हैं, फिर भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए हमें ये होली का त्यौहार मनाना है। होली के त्यौहार पे केमिकल के जो रंग मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसका उपयोग ना करें और अपने बच्चों का, बड़े बुजुर्गों का, आपस में सभी का एक दूसरे का ध्यान रखें, फूलों की होली खेलें। और जैसा कि होली का त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है, इसी तरीके से अपने मन के अंदर से सभी ईर्ष्या द्वेषों को दूर करते हुए और नए खुशियों के रंग भरकर और आने वाला साल सबके लिए बहुत ही बहुत अच्छा हो, और यही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा नाम आरती गोयल है, मैं KPS इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और मैं अपने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं देती हूँ, होली की बधाई देती हूँ। और जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, अब हम कोरोना से जो है उभर रहे हैं, हमारा देश जो है कोरोना से उभरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है, तो मेरा अपने क्षेत्रवासियों से ये अनुरोध है कि हमें जो है होली अपने सभी कोरोना के सारे नियमों का पालन करते हुए होली मनानी है और केमिकल के रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है। केमिकल के रंगों का इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पे, हमारे बच्चों की सेहत पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, इसलिए मैं सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि हमें फूलों से होली खेलनी है और केमिकल रंगों का इस्तेमाल नहीं करना है और आपस में मिलजुल कर रहना है। अपना जो मन के अंदर किसी की, हमारे जो त्यौहार हैं, मन के अंदर किसी का कोई दुर्भावना है, किसी के प्रति द्वेष है, तो इन सबको मिटा के हमें भाईचारे के साथ अब होली का त्यौहार मनाना है। मेरी तरफ से अपने सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन गुप्ता, मेरी तरफ से और सचिन हॉस्पिटल की तरफ से आप सभी पलवल क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं यही चाहता हूं कि होली के इस त्यौहार पर सबके जीवन में खुशियां आएं और इस होली के त्यौहार पर केमिकल भरे रंगों से होली ना खेल के प्राकृतिक रंगों से होली खेलें और इस भाईचारे के त्यौहार को प्रेम भाव से बनाएं, इसमें किसी भी नशा का प्रयोग ना करें और खुश रहें, पॉजिटिव एनर्जी लाएं। और जैसा कि अभी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है तो कोविड प्रोटोकॉल से ही हमें प्रॉपर यूज़ करना है मास्क, ये नहीं है कि मास्क से हमें बचना है, मास्क का प्रॉपर यूज़ करना है। मास्क से हमें खाली कोविड ही नहीं और पॉल्यूशन से भी बचत मिलेगी और साथ में अन्य बीमारियों से भी बचाव होगा। धन्यवाद। नेपाल सिंह है, मैं लाइफ एंड चैरिटी ब्लड बैंक की तरफ से सभी भाइयों को होली की बधाई देता हूँ
और भाइयों से सभी से अनुरोध है कि केमिकल के रंगों का उपयोग ना करें, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें और भाईचारे के साथ होली खेलें। सर्वोदय टीवी के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को मित्तल क्लासेस परिवार की तरफ से होली के इस रंग बिरंगे त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस त्योहार पर सभी लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर इस त्योहार को मनाएं। धन्यवाद। आप सभी को मित्तल क्लासेस की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी लोग केमिकल वाले रंगों से बचें और नेचुरल रंगों का यूज करें और सभी क्षेत्रवासियों को मित्तल क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को मेरी राम राम। मैं राहुल भारद्वाज, फ्रेंड्स टेलीकॉम और सर्वोदय टीवी के माध्यम से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हुकमचंद गौतम, सहायक परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा पलवल। मेरी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को, पलवल निवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से मेरा अनुरोध है कि इस हर्ष के त्यौहार को अपने प्रेम पूर्वक मनाएं और जो प्राकृतिक रंग हैं उनका उपयोग करते हुए अपने होली का आनंद लें। मैं नितिन पांचाल आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि ये त्यौहार आपका शांतिपूर्वक निपटे और सभी से अनुरोध करता हूं कि इस होली पर प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ होली खेलें और नेचुरल रंगों का प्रयोग करें। ग्राम पंचायत जालू से युवा सरपंच उम्मीदवार, मैं अपने सभी ग्रामवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामना देता हूं। सर्वोदय टीवी की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को इस होली के पावन पर्व पर हमें अपने जीवन में एक सीख लेनी है कि जिस तरह से हम गले मिलकर अपने आपसी भाईचारे को बढ़ाते हैं, इस तरह से इस त्यौहार पर भी अपने प्यार को बढ़ाएं। अपने जीवन में जिस तरह से होली के पावन पर्व पर रंग बिरंग तरह के गुलाल उड़ाए जाते हैं, उसी तरह से अपने जीवन से बुराइयों को दूर कर एक अच्छाई का प्रतीक दें और होली के पावन पर्व को खुशियों के साथ मनाएं। इसी शुभकामना के साथ मैं आपको बार बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अजय यादव, चेयरमैन केडी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर्वतिया कॉलोनी एनआईटी फरीदाबाद की तरफ से होली के रंग बिरंगे त्यौहार की आप सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ और उन्नति लेकर आए। इस त्यौहार पर आप अपने भाईचारे को मजबूत करें और सौहार्द से होली का त्यौहार मनाएं। आकाश सूर्यवंशी की ओर से रंग बिरंगे त्यौहार होली की आप सभी क्षेत्रवासियों को ढेर सारी बधाइयाँ। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ और उन्नति लेकर आए। सर्वोदय टीवी के संवाददाता मनोज सूर्यवंशी की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुखराम डागर, जेजेपी के वरिष्ठ नेता, भावी उम्मीदवार जिला परिषद वार्ड नंबर 4 व सदस्य उत्तर रेलवे ZRRUCC की तरफ से आप सभी क्षेत्रवासियों को होली के रंग बिरंगे त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना काल के बाद होली पर लोगों को अपनी खुशी जाहिर करने का मौका मिला है, इसके लिए सभी देशवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, पलवल वासियों को, सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली पर्व है, यह रंगों का पर्व है। मैं देशवासियों, प्रदेशवासियों और जिले वासियों को
अपनी तरफ से और पत्रकारों की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रंगों का पर्व है, इसे पर पानी न बहाएं और रंगों की जगह फूलों की होली खेलें। धन्यवाद। रंगों के त्यौहार होली की सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भाईचारे का त्यौहार है, इसे भाईचारे से ही मनाएं। सभी देशवासियों और प्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी से अपील करना चाहता हूं कि इस होली के पर्व को केमिकल मुक्त रंगों से खेलें। सभी क्षेत्रवासियों लधूब में रंगों के पर्व होली की सभी देशवासियों को व क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जनता से अपील करता हूं कि रंगों का त्यौहार है, पानी की वेस्टेज ना करें और फूलों से और गुलाल से ही होली मनाएं। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्यौहार है, इसे धूमधाम के साथ में मनाएं और जो प्राकृतिक रंग है उनसे होली खेलें और एक दूसरे को बधाई दें और इस खुशियों के पर्व को अपने परिवार में बहुत ही अच्छे ढंग से मनाएं। और मैं लोगों से अपील करता हूं कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जल का कम से कम प्रयोग करें और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में भी अपनी भागीदारी निभाएं। जय हिंद, जय भारत। होली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और होली पर्व को बड़े धूमधाम से और बड़े भाईचारे के साथ मनाएं। ठीक है जी। होली के पावन पर्व की आप सभी क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से ये अपील भी करता हूं कि ये जो होली है प्यार और भाईचारे का प्रतीक है। इस होली के त्यौहार को सभी मिलजुल कर और प्यार भाईचारे से मनाएं और सभी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हुए ही इस होली को धूमधाम से मनाएं। मैं दिनेश सहरावत आप सभी पलवल जिला वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने मनमुटाव भुलाकर इस त्यौहार को मनाएं, भाईचारे का संदेश दें और इस दिन जो है केमिकल जो युक्त रंगों का इस्तेमाल ना करें, हो सके तो ऑर्गेनिक कलर का या फूलों की होली खेलें और इस त्यौहार को भाईचारे के साथ मनाएं, खुशियों के साथ मनाएं। जय हिंद।